दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है बारिश के मौसम से। हुआ क्या कि आज आ रही थी एकदम तेज़ बारिश में खाने का मन हुआ कुछ स्पाइसी और मसालेदार। मैंने सोचा क्या बनाया जाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी तो मेरे पास हरी मिर्ची पड़ी है, प्याज पड़ा है, तो क्यों ना बेसन का चीड़ा बनाया जाए। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, तो बारिश में मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी विधि बहुत सरल है। इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें चाहिए, जैसे हमें ये जीरा, मिर्ची, नमक, ये हरी मिर्ची ऑप्शनल है आपकी इच्छा हो तो, पर हरी मिर्ची डालने से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, प्याज बारीक कटा हुआ प्याज और बेसन। हमारे पास पुदीना भी है, पुदीना आपकी इच्छा हो तो डालिए, पर अगर प्लेन बिना सब्जियों के और इसके भी बनाएंगे तो भी अच्छा बनेगा, बट अगर आप ये सब डाल देंगे तो और अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे बेसन, इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी, इसको अब अच्छे से विस्क करेंगे ताकि इसमें क्या लम्स नहीं रहे, लम्स रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार इसको अच्छे से विस्क करते हैं। अभी हम नाला बेसन को करें, तब तक हम साइड में एक गैस पे ये मीडियम आंच पे हम इसको चढ़ा देंगे, तभी को नॉन स्टिक ले रहे इसमें हम, और इसको हम चढ़ा देंगे। अब देखिए ये हमारा घोल एक बार अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च डालना, जीरा एक चम्मच, पुदीना ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, और हरी मिर्ची। आप सब इसमें मेरे को कमेंट करके जो बताइएगा कि आपने पहले कभी खाया है और खाया है तो कैसा लगता है, या फिर ये पहली बार बनाएंगे आप सब्जी वाले चीले। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तवा गर्म हो चुका है, इसमें पहले हमने घी डाला है, मुझे घी में पसंद है इसलिए हम घी में बनाए, बाकी आप चाहो तो आप तेल में भी बना सकते हो। अब इसको अच्छे से एक बार इस पर तवे पर फैला देंगे अपन, पूरा अच्छी तरीके से पतला करके फैला के एक बार अच्छे से पतला कर देंगे ताकि आराम से सिक जाए। बारीक बारीक प्याज काटे थे वो प्याज डालेंगे, इससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने वक्त, इससे क्रिस्पीनेस भी बहुत अच्छी हो जाती है इसकी चीले की। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक बार हमने इस पे तवे पे डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से पतला करेंगे और इसमें हमको फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है ताकि अच्छे से सिके। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये सिक रहा था, तो अब सिकने से क्या हुआ कि इसने इतना तवे को छोड़ दिया, तो अब ये पूरा देखिए आराम से उतर लेना, ये देखिए पूरा उतर गया। अभी हम इसको अच्छे से आगे से इसका ये पूरा सिक गया था, तो हमने इसको अब अच्छे से पलटी दे दिया। अब पलटी देके अब एक बार इसको भी सिकने देंगे और इसमें गैस स्लो करके और इसको अभी सिकने देंगे। दोस्तों ये हमारा चीला पूरी तरह से तैयार है, अभी हमने उसको पलटा था, एक बार वापस है जिसकी साइड चेंज करके देखी तो ये अभी पूरा तैयार है। तो चलिए अब इसको उतारते हैं और फिर खाते हैं, आप भी खाइएगा। और इसमें ना एक टिप है कि आप अगर ये बनाते हो ना तो आप ये किसी के साथ भी खा सकते हो, आपको ये नहीं है कि इसके साथ कोई सब्जी बनानी जरूरी है। चाहो तो आप इसको ना अचार के साथ खा लो, चाहो तो धनिया की चटनी खा लो, चाहे पुदीने की चटनी खा लो, चाहे सॉस ले लो छोटे बच्चे हो तो, आप किसी के साथ भी खा सकते हो, सब में बहुत टेस्टी लगता है और ये एक अच्छा नाश्ता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा चटपटा हर चीला तैयार है, इसको हमने बहुत ही जल्दी और कम समय में और बहुत अच्छी खूब सारी चीज़ों के साथ बना लिया, तो आप भी बनाइएगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा और मेरे को इसमें कमेंट्स जरूर करिएगा। बाकी आप भी बनाइए, खाइए, और चैनल को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।